भी डाल दिए इसके ऊपर, जो पसंद है आपको, जिस तरह के पसंद है, चॉकलेट वाले पसंद है, नॉर्मल वाले पसंद है, आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल भी देखे डाले, ये कितना खूबसूरत लग रहे हैं। अब लग रहे हैं ना बाजार वाले डोनट्स माशाल्लाह से। अब बाजार से कोई खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि बाजार से खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। अस्सलाम वालेकुम और व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और गर्मी को बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। एकदम से गर्मी इतनी शदीद हो गई है कि किचन में आते हुए ना परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैं आज आपके लिए जो रेसिपी बना रही हूँ, आपको सब चीजें देख के आइडिया तो हो गया होगा कि कुछ बेकिंग की चीज बन रही है, लेकिन ये बेकिंग नहीं हो रही है। यहाँ पे हम विदाउट बेकिंग हम बना रहे हैं, हम डोनट्स बना रहे हैं, बहुत ही मजेदार और लजीज और बहुत ही इजी रेसिपी के साथ मैं आपके लिए डोनट्स बना रही हूँ, और बहुत कम बजट के साथ। मतलब आपका ये बजट फ्रेंडली भी है और इजी भी है। अच्छा, लेकिन मैं मेरी वीडियो को मैं स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी और इजी वीडियोस मिलती रहे देखने को। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। डोनट स्टार्ट करने से पहले हमने क्या करना है, हमने यीस्ट को राइस करना है। अच्छा, उसको राइस करने के लिए आपने सबसे पहले खमीर जो है ना आपने लेना है। अच्छा, दूध आपने थोड़ा सा लेना है, जिस उसमें ना डो आपने गूंदना है ना डोनट्स का, और वो आप दूध में ले, पानी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसमें दूध ले रही हूँ, ठीक है। अच्छा, दूध को हल्का सा हमने गर्म करना है, सिर्फ हल्का सा। मैं अभी गर्म करती हूँ, फिर आपसे आपको दिखाती हूँ कितना हमें चाहिए। हमने दूध को ना सिर्फ इतना हमने वो करना है गर्म, बस आपकी ये फिंगर जो है ना, अभी देखिए मैं अपनी फिंगर डिप कर रही हूँ ना, तो मुझे फील नहीं हो रहा, ठीक है। सिर्फ इतना लाइट गर्म करना है कि आपकी फिंगर जो है ना आराम से इसमें डिप हो जाए। बस ये अब 1-2 मिनट के अंदर, 1-2 सेकंड के अंदर ये गर्म हो जाएगा, इसलिए कि हमारा फ्रिज का रखा हुआ दूध था तो वो हम यूज कर रहे हैं। अच्छा, बस ये हो गया हमारा, अब मेरी फिंगर लग रही है गर्म। अच्छा, ये हमारा दूध गर्म हो गया है, ये आधा कप के करीब है, सही है, 1 पाव का पाउच है, और हमने इसमें आधा पाव के करीब दूध ले लिया, और इसके अंदर अब हम ये 1 टीस्पून और 2 टीस्पून, 2 टीस्पून हमने ये इसमें डाल दिया अपना यीस्ट। यीस्ट आपने इसको अच्छा इसको मिक्स कर लेते हैं, यीस्ट को थोड़ा सा इसके अंदर मिक्स कर ले, और इसके साथ साथ आपने चीनी भी इसके अंदर मिक्स कर ले, ठीक है। ये मैंने पाउडर चीनी खुद बनाई हुई है घर में, मैंने ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर लिया। अच्छा, अब इसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून, बिस्मिल्लाह हमारी नहीं, 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून, 4, 5 और 6, ये 6 टेबल स्पून आपने इसमें शुगर ऐड की है। अच्छा, मैदा आपने लेना है इसके अंदर कम से कम 2 कप के करीब, 2 कप से 2.5 कप मैदा लेंगे, और इसके अंदर आपने 6 कप चीनी यूज करनी है, ठीक है। अच्छा, जब तक अच्छा आपका ना जब आप इसमें यीस्ट डालें ना, तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, इसको 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि ये आपका जो यीस्ट है ना ये ऊपर आ जाए, ठीक है, रेज हो जाए। तो उससे क्या होगा, उससे आपको पता चल जाएगा भाई आपका जो खमीर है ना बिल्कुल परफेक्ट है, और आपका जो है ना इसका डो बहुत फिर सही फूलेगा, ठीक है। डोनट्स जो होते हैं ना, आपको देखा आपने कितने फूले फूले बनते हैं, तो आपका डो बहुत अच्छा बनेगा। तो इसके लिए आपको इसको चेक करने के लिए भी आपको थोड़ी देर के लिए छोड़ना होता है। अच्छा, आपने ये चीनी इसमें मिक्स कर दिए, और इसको आपने थोड़ा सा आप हिला दें। हाँ, ये ना छोटे वाले ना टी स्पून का है ये, तो ये आपने ना 3 करने, ठीक है, 3 के करीब। तो ये फिर जो है ना, अभी ये रेज नहीं हो रहा था सही, मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड करा है ताकि ये सही से फिर अब रेज होगा, ये अब होना शुरू हो रहा है इसमें। असल में ये ना ये देखे ना, ये थोड़ा सा ना इसको मिक्सिंग भी इसकी होनी चाहिए ना प्रॉपर, इसकी मिक्सिंग भी नहीं हुई है, ये थोड़ी देर के बाद अभी ये देखें गाढ़ा तो हो रहा शुरू हो गया ये, और फूल जाएगा अभी। अब इसको अभी ऐसा नहीं, 5 से 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए इसको छोड़ते हैं ना, हम लोगों ने जल्दी आ गए तो इसमें यीस्ट जो है ना जब तक रेज हो रहा है ना, उस वक्त तक हम क्या करते हैं, हम अपनी ना सॉस बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो हमें इसके ऊपर डोनट्स के ऊपर अपनी सॉसेस डालनी है ना, हम वो सॉस ले लेते हैं। अच्छा, 2 तरह की हम बना रहे हैं, एक हम व्हाइट बना रहे हैं और एक हम चॉकलेट वाली बना रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने कम से कम ये वाला जो है ना, ये बड़ा वाला जो है ये आपने
स्पून आपने भर के ले लेना है, दो, ये कम से कम चार दो से तीन टेबल स्पून होंगे, ठीक है। एक हम व्हाइट बना रहे हैं और एक हम बना रहे हैं चॉकलेट वाली सॉस, दो तरह की बना लेते हैं, ठीक है। दोनों बच्चों को बड़ी पसंद आती हैं, एक चॉकलेट वाला भी बना उनको ज़्यादा अच्छा लगता है और एक वाइट वाली भी अच्छी लगती है। अच्छा, ये दोनों हमने, और अली को ख़ास तौर पे बहुत पसंद है डोनट्स, तो अली की फरमाइश पे आज मैं ये बना रही थी। अच्छा, अब इसमें आपने चॉकलेट जो है कोको पाउडर की हम बना रहे हैं, कोको पाउडर आपने आपने ये समझ रहे हैं, आपने ये वाले आपने 6 टेबल स्पून जो है ना, 5 से 6 टेबल स्पून चीनी के लिए है और आपने 2 टेबल स्पून आपने कोको पाउडर के लिए, बस एनफ है हमारे लिए इसमें। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध लेके ऐड करना है, 1 टेबल स्पून लिया, 2 टेबल स्पून लिया। अब आप इसको हल्के हल्के मिक्स करें, ये बिल्कुल इजी जो है ना आपका सिरप जो है ना ये घर में बनेगा इसका। और देखें ना, कोको पाउडर भी कोई इतना कॉस्टली नहीं है और ना चीनी आपके घर की, ये दोनों चीज़ें आपकी घर की हैं। अच्छा, इसमें ना थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। अब मैं ये तीसरा स्पून लिया ताकि इसकी कंसिस्टेंसी ना थोड़ी हमें गाढ़ी चाहिए, तो गाढ़ा बनाने के लिए आपको बहुत एहतियात से डालनी पड़ेंगी दोनों चीज़ें। कितना बेहतरीन बन रहा है देख लो, देखो कितना गाढ़ा हो गया, देख रहे हैं आप। अच्छा, अब इसमें हम थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं, 1 चम्मच के करीब। अब ये हमारे कितना चम्मच हो गए, 4 के करीब हमारे टीस्पून हो गए इसमें, ठीक है। ये आप ये देखें, 4 टीस्पून आपने इसमें ऐड करें और ये आपका बेहतरीन सा ये सॉस, इसकी डिप सॉस बन गई, ठीक है। डोनट्स की आपकी डिप सॉस भी रेडी हो गई और देखें कितनी मजे की बनी है, कितनी बेहतरीन बेहतरीन बना है। अच्छा, ये जो है ना ये डार्क कलर का कोको पाउडर, अगर आपको इसमें लाइट चाहिए तो आप लाइट यूज कर लें, ये हमारे पास जो है ना अभी डार्क वाले कलर का था तो इसलिए। अच्छा, अब आपने व्हाइट वाला बनाना है, व्हाइट वाले को भी आपने इस तरह करना है, आपने चीनी के अंदर खाली ये आपने थोड़ा सा दूध मिक्स करना है और ये देखें 1 टीस्पून अभी हमने करा है, टेबलस्पून सॉरी, और इसमें मेरे ख्याल में ये सिर्फ जाएगा 1.5 चम्मच के करीब इसमें दूध डालना है आपने। देखिए ये आपका ये एक और वाइट वाला आपका सॉस रेडी हो गई, डिप सॉस, ठीक है। ये देखिए कितनी बेहतरीन सी सॉस आपकी रेडी हुई है, एक आपने चॉकलेट वाला बना लिया और एक आपने ये वाइट बना लिया। अच्छा, अगर आपको कलर वाला चाहिए तो आप इसके अंदर थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड करेंगे तो वो पिंक शेड में आ जाएगा, लेकिन हम इसको भी वाइट रहने देते हैं। हमने डोनट्स जो बनाने हैं ना वो हमने बनाने हैं चॉकलेट वाले, इसलिए कि हमारे घर में सबको चॉकलेट वाले बहुत पसंद है, खास तौर पर अली को बहुत पसंद है, तो मैं इसलिए उसकी वजह से ये चॉकलेट वाले बना रही हूँ। अच्छा जी, अच्छा अब हम इसमें अपने डोनट्स के लिए हमने अपना तैयारी शुरू करते हैं डो बनाने की। इसमें आपने 1 चम्मच 2 चम्मच ये टेबल स्पून है, 3 टेबल स्पून, 4 टेबल स्पून, 5 टेबल स्पून और ये 6 टेबल स्पून इसमें आपने मैदा ले लिया। बिस्मिल्लाह, ये देखिए फुल ऊपर से भर का आपने मैदा लिया। अभी आप ना 2 कप के करीब ही मैदा लें, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब जो अंडा है ना, आपने एग जो है ना, एग को इसी के अंदर ये जो यीस्ट है ना, हमने अंडे को अपने एक अंडे को उसमें हमने तोड़ के इसी में डाल देना, ठीक है। अंडा अच्छा चीनी तो इसमें भी हमने डाल दी थी, सही है सही, अली इसमें हमने चीनी डाली थी ना, हाँ चीनी डाल दी थी इसमें, आप अपने हिसाब से डालिएगा। हाँ अच्छा, ये देखिए ये ना असल में ना चीनी जो है ना वो इसमें मैंने 6 के करीब इसमें डाल दी थी और 6 इसमें डाल दी टेबल स्पून, तो ये इसलिए कि ना हमें देखें डोनट्स को किसी को ज़्यादा मीठे पसंद होते हैं और किसी को कम पसंद होते हैं, तो हमें ज़्यादा ज़्यादा मीठे पसंद है तो हमने इसलिए अपने हिसाब से चीनी डाली है, ठीक है। अब आपने इसको इसको मिक्स करना शुरू करा, पहले तो आप इसको अच्छी तरह से ना इस तरह अंडे को और इसको मिक्स कर लें, ठीक है, यीस्ट को। ये देखिए इसलिए हमने ना पहले अभी ज्यादा मैदा नहीं लिया था कि पहले हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और मिक्स करने के बाद ना ये देखें अब हमें, अब जब इस तरह ये मिक्स हो जाए ना, अब हमें और ज़रूरत पड़ रही है मैदे की, तो अब हम इसके अंदर और मैदा डालेंगे थोड़ा,
थोड़ा सा इसमें ज्यादा कर दे मैदा, बस और क्या। हमने 2.5 के करीब, 2 से 2.5 था हमारा हिसाब मैदे का, और वो बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, ये देखें ये हो गया आपका। अच्छा, इसके अंदर आपको थोड़ा सा ऑयल भी डालना है, वो लेकिन हम आखिर में या तो बटर आप यूज करें या ऑयल। अभी इसको हमने डाला है ना, ये रेज होना शुरू हो गया है। अच्छा, अब इसके बाद आपने ये थोड़ा इसमें 2.5 के हमने कहा था हिसाब आपको, 2.5 कप आपने और इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, ये ऐसे ही बनता है। ठीक है, और कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है इसका, और जो पिज्जे का डो और इसका डो ना वो इसी तरह बनते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपने इसको, ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। ठीक है, अब आपने इसको 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए ना जरा छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद हम इसको गून लेंगे। ठीक है, अभी आपने इसको इस स्टेज पे आपने इसको रेस करने के लिए ना आपने छोड़ देना है। ठीक है, अच्छा देखें, अब अगर आपको मैदा थोड़ा सा कम लग रहा है ना तो अभी आप मैदा और ऐड कर सकते हैं, कोई इसका इशू नहीं है, आप मैदा और ऐड कर दें इसमें। हाँ, इसलिए हम मैदा थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे थे, वैसे तो बिल्कुल परफेक्ट है। अभी हमने गूंदेंगे ना जब इसको, उस टाइम भी हमें मैदा चाहिए होगा, तो ये आपने थोड़ा सा आधा कप के करीब आपने ना मैदा इसमें और ऐड कर दिया। ठीक है, बिल्कुल देखें, आप खुद देखें कि ये देखें अलग भी हो रहा है, और ये इसी तरह बनता है। डोनट्स का जो डो होता है ना वो इसी तरह स्टिकी होता है। ठीक है, तो इसमें परेशान मत होइएगा देख के कि ये क्या हो रहा है, हमारे साथ कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई है। अब देखें, अब आप इसको, जब आप हाथ से, अभी तक मैं स्पून यूज कर रही थी, अब मैं हाथ से आ गई हूँ, तो अब आप देखेंगे अब ये थोड़ा सा चेंज होना शुरू हुआ है। ठीक है, अच्छा अब मैं इसमें ना थोड़ा सा ऑयल जो है ना, ऑयल इसमें मैं इसमें लगाऊंगी पॉट में, इसमें ना इसमें ये 1 टेबल स्पून के करीब आप इसमें ऑयल जो है ना ऐड कर दें। ये देखिए ऑयल लगाती, अच्छा कोई बड़ा खुशबू वाला कोई ऑयल हो ना आपके पास, या मक्खन, वो आप इसमें यूज कीजिएगा। ये देखें ऑयल जैसे ही आपने लगाया ना, आप देखें डो की जो है चेंज होना शुरू हो गई है। ठीक है, डो का टेक्सचर ही चेंज हो गया बिल्कुल। अच्छा इसमें ना मैंने ना ये ऐड करना ना वनीला एसेंस भूल गई हूँ, आप इसमें 1-2 से 3 ड्रॉप्स जो है ना वनीला एसेंस के कर दें ऐड, लेकिन अगर करना चाहें तो कर दें, अगर नहीं करना चाहते तो कोई ज़रूरी नहीं है, जस्ट खुशबू के लिए, या फिर जायफल जो होती है ना वो कर दें। ये इसमें 2 से 3 मैंने कतरे सिर्फ ऐड करें जस्ट इसकी खुशबू के लिए, अगर किसी को पसंद नहीं है तो मत ऐड करें। अब ये देखें आपका ये डो जो है ना वो कितना बेहतरीन, अभी से ये रेडी है तकरीबन ना, लेकिन हम इसको रेस करने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, और थोड़ा सा ऑयल लगा के ना इसको छोड़ दें। ठीक है, अब मैं इसको जो है ना कवर करती हूँ, कवर करके इसको आप रख दें, उसके बाद इसको सही से आप इसको गूंदिएगा, जैसे कि हमारी मिक्सिंग जो है ना वो बहुत बेहतरीन हुई हुई है, इसलिए हमें इतनी ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी लगी। ठीक है, 1 घंटे के बाद हम मिलते हैं और फिर हम आपके लिए डोनट्स तैयार करते हैं। अच्छा जी व्यूअर्स, ये देखें ये हमने ना 1 घंटे के बाद हम जो है ना अपने डो को फूल तो चुका है, लेकिन जैसे इसमें जितना ज़्यादा आप टाइम के लिए छोड़ेंगे ना उतना ज़्यादा ये रेज होगा। अच्छा, इसके बाद आप इसको फिर से जो है ना डो को अपने थोड़ा सा हाथों से की मदद से थोड़ा सा भून लें। लेकिन हमारा बिल्कुल परफेक्ट जो है ना, बिल्कुल परफेक्ट इस वक्त हमारा डो जो है ना रेडी है, बिल्कुल परफेक्ट रेडी है हमारा, हमें कुछ करने की इतना ज़रूरत नहीं है खास, बस ये कि आप इसने जितने आपने पेड़े बना रहे ना, आप पेड़ों के हिसाब से इसको 2 पेड़े बना लें भी बड़े बड़े, और इसको बेल लें। बहुत बेहतरीन जो है ना डो, तो बिल्कुल परफेक्ट हमारा बना है, कोई हमें ऐसी वो नहीं है कि डो आपका ख़राब बना है। अच्छा थोड़ा सा जो है ना आपने, और फूला भी सही है, थोड़ा सा आपने इसमें आटा स्प्रिंकल करा, इसको बेलना है। और असल में ये आप किसी ऐसी जगह पे इसको बेलें कि जो आपको बेलने में आसानी हो, मैंने इसलिए कि इसी के ऊपर मैंने प्लास्टिक के ऊपर
इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ना है, इसलिए मैं इसी जगह पे इसको रोटी को अपनी बेल रही हूँ। अच्छा, उसके बाद आप जो है ना, बिस्मिल्लाह, हमारी आप इस तरह कोई भी आप इस तरह ढक्कन ले लें और आप इससे इसकी कटिंग कर लें। या आपके पास अगर कटर है तो आप कटर यूज कर लें। हाँ, ये देखें व्यूअर्स, ये हमारे डोनट्स जो है ना, ये हमने इसकी कटिंग करके इनको रेडी कर दिया है। अब इसको आप रेस होने के लिए, डो रेस के लिए ना, आप इसको फिर छोड़ दें आधे घंटे के लिए, आधे पौने घंटे के लिए इसको अगेन छोड़ दें, तो ये बिल्कुल फूल जाएंगे और फ्लफी हो जाएंगे और इंशाल्लाह बहुत फ्लफी बनेंगे। अब मैं आपको आधे पौने घंटे के बाद ना दोबारा दिखाऊंगी, जब इनको तलना होगा ना, उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, फिर इंशाल्लाह आगे प्रोसीजर आपको बताऊंगी अब क्या करना है। अब मैं आपके सामने कुछ डोनट्स और फ्राई कर रही हूँ। देखें इसको आपने ना, हमारे डोनट्स माशाल्लाह बहुत अच्छे जो है ना, रेस बहुत अच्छा हुआ है और फूल रहे हैं। आपने बिल्कुल हल्की आंच पे जो है ना, इसको जो स्टीम है ना, वो ये जो फ्लेम है ना, देखें इसका फ्लेम कितना हल्का है, बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको वो करना है, बहुत ज्यादा तेज आंच पे नहीं करना है और ये फिर खुद ही फूलना शुरू होंगे। हल्की आंच पे बहुत अच्छे फूल रहे हैं, देखें मैंने बनाए हैं ये आप लोगों के लिए। मैं साथ साथ फ्राई करती जा रही हूँ और अभी आपको ये करंट मैंने जो और डाले हैं वो भी मैं दिखा रही हूँ। ये देखें ये कितने अच्छे रेज हो रहे हैं और जो है ना, देखें कितना अच्छा फूल रहा है। बस आपने इसको पलट दिएगा हाथ के हाथ, इसको थोड़ी देर में 2-3 सेकंड में इसको आप पलट दिएगा, जैसे ही आपको लगे ना ये फूलना स्टार्ट हो रहा है, बस आप इसको पलट दिएगा साइड, इसकी साइड पलटते रहिएगा तो ये बहुत अच्छे रेज होंगे। ये देखें ये भी कितने अच्छे रेज हो रहे हैं, कितने माशाल्लाह फूल रहे हैं। और आपको जिस जितना कलर आपको देना है ना, आप हल्के ब्राउन करने हैं, डार्क ब्राउन करने हैं, आप उतना ही इसको कलर दें और उसके बाद इसको निकाल दें। फिर मैं आपको इसको जो है ना सीरम, जो इसका सीरप है, सॉस में डिप करके आपको मैं दिखाती हूँ। जब तक ये थोड़े से रह गए हैं मैं आपको फ्राई करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये हमारे कितने अच्छे बने हैं माशाल्लाह से। ये भी देखें ये कितने अच्छे बने, टेक्सचर देखें इसका बहुत अच्छा फ्लफी है। और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, अंदर से अभी बहुत गर्म हो रहे हैं और मैं अभी आपको तोड़ने के लिए दिखाती हूँ, बहुत गर्म हो रहे हैं ये देखें हमारे डोनट्स थोड़े से ठंडे हो गए। अब आपने इसको यूं पकड़ना है और यूं डिप करना है इसके अंदर सॉस में अपनी, और ये देखें आपकी बेहतरीन सी इसके ऊपर आपकी जो सॉस है वो आप इस पे लगाते जाएं। और आपकी जो, अच्छा ये मैंने ना सॉस में आपको मैं ना बताऊं मैंने करा किया था, ये ना बार बार ना जम रही थी आपके सामने जब मैं बनाए रही थी ना, तो उस पे मैंने कुछ भी ऐसी चीज नहीं अंदर पकाया नहीं था इसको। अच्छा फिर मैंने उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा मैंने मक्खन ऐड किया और इसको मैंने ना थोड़ा सा इसको पकाया इसके अंदर पानी डाल के, तो उसके बाद ये बिल्कुल सेट हो गई, वरना ये बहुत ज्यादा जम रही थी। ठीक है, अच्छा अभी गर्म बहुत हो रहे हैं, अभी भी मेरे हाथों में ना बहुत लग रहे हैं, लेकिन ये देखें आप इसकी ना माशाल्लाह से लुक कितनी अच्छी आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट बने माशाल्लाह, खुशबू भी इतनी बेहतरीन आ रही है। और इसके अंदर मैंने ना वनीला एसेंस भी थोड़ा सा ऐड किया है। ठीक है, अच्छा आप यूं लगाते जाएं और इसको साइड में रखते जाएं ताकि ये ठंडे भी होते जाएं, साथ साथ इसमें जो भी आपका सीरप है चॉकलेट का वो सही से कोट भी हो जाए। भी डाल दिए इसके ऊपर, जो पसंद है आपको, जिस तरह के पसंद है, चॉकलेट वाले पसंद है, नॉर्मल वाले पसंद है, आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल भी देखे डाले, ये कितना खूबसूरत लग रहे हैं। अब लग रहे हैं ना बाजार वाले डोनट्स माशाल्लाह से। अब बाजार से कोई खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि बाजार से खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। मैंने जो है ना सबका मसला हल कर दिया और आप लोग एक दो दफा बनाएंगे ना तो आपका भी हाथ सेट हो जाएगा। मैंने भी ना ये बनाए हैं, एक दो दफा प्रैक्टिस की है तो मेरा हाथ इस पर सेट हो गया है। और ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह, दिल चाह रहा है मैं तो अभी भी बस फौरन से खा लूं, लेकिन ये ठंडे हो जाएं थोड़े से, बहुत इस वक्त गर्म हो रहे हैं, वो तो मैंने हाथ से पकड़ लिए थे, बहुत गर्म हो रहे हैं इस वक्त ना, तो थोड़े से ठंडे होने के बाद हम टेस्ट करेंगे फिर आपको बताएंगे, इंशाल्लाह बेहतरीन बनेंगे। अली तो बहुत खुश हो रहे हैं इस वक्त। अली आपको क्या फीलिंग आ रही है इस वक्त, आपको दिल चाह रहा है आप खा लें फौरन? अच्छा व्यूअर्स, ये देखें हमारे डोनट्स बन के रेडी हो गए हैं और इसकी मैंने डेकोरेशन भी कंप्लीट कर ली है। और मैं आपको, अली तो टेस्ट कर चुके हैं, अब मैं भी आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसे बने हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जबरदस्त, बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत टेस्टी है, बहुत जमी है। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे बने। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत जल्दी एक नई रेसिपी के साथ आपसे मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।